कामाख्या देवी के महत्व का वर्णन है। इसका दर्शन, भजन, पाठ, पूजा करने से विघ्नों की शांति होती है। पहाड़ी से उतरने पर गुवाहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नद के मध्य में उमानंद नामक छोटी चट्टानी टापू में शिव मंदिर है, जिन्हें कामाख्या रक्षक कहते हैं। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। यहाँ कोई देवी मूर्ति नहीं है, योनि के आकार का शिला खंड है, जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू के खोल जैसी धारा गिरती रहती है और वो स्थान रक्त वर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। इस नील प्रस्तरमय योनि में माता कामाख्या साक्षात वास करती हैं। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन, स्पर्श करता है, वो देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जब योनि का निपात हुआ, तब ये पर्वत तगमगाने लगा। अतः त्रिदेवों ने इसके एक एक श्रृंग को धारण किया। तब से ये पर्वत तीन श्रृंगों में विभक्त है। जहाँ भुवनेश्वरी पीठ है वो ब्रह्म पर्वत, मध्य भाग जहाँ महामाया पीठ है वो शिव पर्वत, तथा पश्चिमी भाग विष्णु पर्वत या वराह पर्वत है। वराह पर्वत पर वराही कुंड दिखाई देता है। आषाढ़ माह में मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण, आद्रा नक्षत्र के पहले चरण के मध्य देवी का दर्शन 3 दिनों तक बंद रहता है और माना जाता है कि माँ कामाख्या ऋतु मती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी का श्रृंगार स्नानोपरांत दर्शन पुनः प्रारंभ होता है। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राचीन काल में 4 दिशाओं में 4 मार्ग थे, व्याघ्र द्वार, हनुमंत द्वार, स्वर्ग द्वार, सिंह द्वार, लेकिन समय के साथ साथ उत्तरी तथा पश्चिमी मार्ग लुप्त हो गए। अब चारों ओर पहाड़ी सीढ़ियां बनी हैं, जो काफी दुर्गम है। कुछ ही भक्त इन सीढ़ियों से जाकर देवी पीठ के दर्शन करते हैं। अधिसंख्य यात्री नीचे से टैक्सियों द्वारा जाते हैं। कामाख्या मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर देवी की क्रीड़ा पुष्करणी है, जिसे सौभाग्य कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसकी परिक्रमा से पुण्य मिलता है। यात्री इस कुंड में स्नान के बाद श्री गणेश जी का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के सामने 12 स्तंभों के मध्य स्थल में देवी की चलंता मूर्ति दिखती है। देवी का योनि मुद्रा पीठ 10 सीढ़ी के नीचे एक अंधकारपूर्ण गुफा में स्थित है, जहां हमेशा दीपक का प्रकाश रहता है। यहां आने जाने का मार्ग अलग अलग बना हुआ है। आदि शक्ति माँ कामाख्या के उस शक्ति पीठ का एक और रहस्य हमें तब पता चला जब हम माँ कामाख्या की मायावी 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी विद्या के पुजारी से मिले,
बातों बातों में उनसे पता चला कि त्रिपुर सुंदरी माँ आमाख्या से मन चाही कामनाएं सिद्ध करने के लिए बेहद गोपनीय मंत्रों का एक रहस्यमय ग्रंथ प्राचीन काल के एक पुजारी के पास था, जिसे वो लोगों की पहुंच से दूर रखते थे। लेकिन एक दिन उस पुजारी की कुटिया आग की चपेट में आ गई और तंत्र मंत्र की वो रहस्यमयी पांडुलिपि जलकर राख हो गई। कहा जाता है कि उस रहस्यमयी ग्रंथ में मायावी शक्तियों को सिद्ध करने के अचूक मंत्र थे, लेकिन अब उसकी कोई भी प्रति किसी के भी पास नहीं है। मगर हाँ, उन रहस्यमय शक्तियों को साधने के कई यत्न आज भी असम के मयांग नाम के एक आदिवासी गांव के लोगों को भली प्रकार आते हैं, और यही वजह है कि वो गांव आज तक काला जादू के नाम से मशहूर है। उस रहस्यमयी ग्रंथ के जल जाने के बाद भी असम का आदिकालीन शक्तिपीठ कामाख्या में सिद्धियों के प्राप्त होने में कोई कमी नहीं आई। उस रहस्यमयी ग्रंथ के जल जाने के बाद भी असम के आदिकालीन शक्तिपीठ कामाख्या में सिद्धियों के प्राप्त होने में कोई कमी नहीं आई है। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है तंत्र के परम आचार्य भगवान शिव के स्वरूप साबरनाथ के साबर मंत्र, जिनकी मदद से साधक माँ कामाख्या की शरण में आकर निसंदेह सिद्ध हो जाता है, चाहे कोई जिस नियत से भी आया हो। कहा जाता है माँ कामाख्या के रजस्वला काल में जिस शब्द, जिस भाषा या जिस प्रकार की भी वाक सिद्धि चाहिए वो मिल जाती है। लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनसे पता चलता है कि वहाँ से प्राप्त सिद्धियों के गलत प्रयोग का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ है। इसलिए साधक वहाँ कोई भी अनुष्ठान बड़ी ही सावधानी और गोपनीयता के साथ कर रहे थे। कामरूप कामाख्या के इस शक्तिपीठ में कुछ तो है जिसकी वजह से इसकी हस्ती मिटाने वाले मिट गए, लेकिन यहाँ सर झुकाने वाले असरदार हो गए। आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार। अगली कड़ी में देखेंगे कामरूप में कहाँ है महामाया माँ कामाख्या की वो 10 महाविद्याएं, जिन्हें देखकर भगवान शिव भी भयभीत हो गए थे। किस महाविद्या ने शिव को निगल लिया था, किस महाविद्या की पूजा लाल मिर्च के हवन से की जाती है, अगर हुकूमत को कोई अंधेरे में रख पाने में सफल हो जाए तो मैं तो मानूंगा कि फिर वो हुकूमत भी किसी लायक नहीं। उन्होंने हुकूमत को अंधेरे में रखा और उसके नतीजे के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है 104 ऐसे फसाद हो चुके। मेरी मुलाकात इत्तेफाक से उनसे हो गई और मैंने उन दोनों से ये बात कही, बाप और बेटे से, कि अगर आप फसादात पर काबू नहीं पाएंगे तो आप अपने पैरों के नीचे से खुद जमीन निकालेंगे। प्रभावशाली मुस्लिम संगठनों ने ये पश्चिम की हिंसा के मद्देनजर ये मांग की कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर पहाड़ की तरह खड़े होकर के इस गलती की मुकाफात, इसका भरपाव कर सकते हो, जिंदा रहोगे, नहीं करोगे उखड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ये एहसास उनके अंदर ताकत को पैदा कर सकते। हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए।
आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम, तुम सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, हाथ मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जी आर एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। जी आर एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। मुजफ्फरनगर मामले पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की तरफ टिप्पणी, अखिलेश राज में जो भी हो रहा है वो बहुत खतरनाक, दंगा करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। तमाम सरकारी दावों के बाद भी जल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शामली के फुगाना इलाके में दो पक्षों के बीच फायरिंग, 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर सीएम अखिलेश गंभीर, रविवार को मुख्यमंत्री करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा, दंगा पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बिजनौर के विधायक कुंवर भारतेंद्र सिंह की गिरफ्तारी करने पहुंची यूपी पुलिस को मसूरी के विधायक ने खदेड़ा, भारतेंद्र पर मुजफ्फरनगर दंगा कराने का लगा है आरोप। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी पर विजय बहुगुणा का बयान, बीजेपी पर आरएसएस से पूरी तरह हो गया हावी, पूरा देश जानता है मोदी का चरित्र, कांग्रेस को नहीं होगा कोई नुकसान। $12,000 में बिकने लगे अखिलेश के फ्री के लैपटॉप, संत कबीर नगर में 6 सरकारी लैपटॉप बरामद, बेचने की कोशिश करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। अखिलेश के मंत्री हुए बेलगाम, न्याय मांगने गए गैंगरेप पीड़ित के परिजनों को खाकी, ग्रामोद्योग मंत्री कैलाश नाथ यादव ने की बदसलूकी, धमकी देते हुए कहा कि भिजवा दूंगा जेल। मेरठ के गंगनहर में 7 लोगों की मौत की आशंका, 4 शव बरामद, 3 की लाश अभी भी जारी। गाजियाबाद में कर्ज से परेशान दिल्ली के परिवार ने की खुदकुशी की कोशिश, 4 लोगों ने खाया जहर, 2 की मौत, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ के चिड़ियाघर में काले हिरणों पर फिर मंडराया मौत का बादल, बारिश के बाद इन्फेक्शन के खतरे से डॉक्टरों को उड़े होश, हिरणों का युद्ध स्तर पर इलाज जारी। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान है, जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी। मदनी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मशकूर हूं आपने तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, बात करने का मौका दिया। मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश में हालात एक बार फिर नाजुक हो गए हैं और 90 के दौर के बाद जो बहुत मुश्किल से एक शांति आई थी वो फिर लग रहा है कि चिंगारी भड़की है, एक शोला भड़का है और 2 बड़ी कौमों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई है, क्या देखते हैं आप इसके पीछे? ये 2 कौमों के बीच में नहीं है,
यानी मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। एक खास बिरादरी है जो मुजफ्फरनगर और मेरठ और शामली के अंदर अच्छी खासी तादाद के अंदर है, उस बिरादरी ने मुसलमान को निशाना बनाया है।